नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। यूं तो हमने कई पहेलियों को सुलझाया है, कई रहस्यों को आपके सामने रखा है, लेकिन यकीन मानिए जो कहानी आज आपके सामने होगी वो अब तक की सबसे रोमांचक कहानी है। ये रहस्य है एक चमत्कारी शिवलिंग का। ये कहानी है एक ऐसे मंदिर की जहाँ हजारों वर्षों से एक रहस्य कायम है। क्या ये चमत्कारी शिवलिंग वैसा ही है जैसा दावा किया जा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। क्या है इस चमत्कारी मंदिर का राज, जहां स्वयं आते हैं भगवान भोलेनाथ, यहां महादेव के दर्शन करने आते हैं सूर्यदेव। ये कहानी है महादेव के चमत्कारी मंदिर की। भगवान शिव को विनाशक का दर्जा दिया गया है। भोलेनाथ के चमत्कार कलयुग में भी देखे जा सकते हैं। इन्हीं में से एक स्थान है गोदावलेश्वर महादेव का मंदिर। ये मंदिर यूपी के उन्नाव जिले में स्थापित है। देखने में तो ये शिवलिंग आम शिवलिंग जैसा है, लेकिन इसकी एक ऐसी खूबी है जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है। भारत समाचार की टीम को ऐसे ही एक शिवधाम के बारे में पता चला। बताया गया कि एक ऐसा मंदिर है जहां पर शिवलिंग रंग बदलता है। आज ऐसा शिवलिंग के चमत्कार की सच्चाई का टेस्ट होने वाला है। बने रहिए। इस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में हमने जो सुना उस पर भरोसा करना मुश्किल था। भगवान शिव के इन चमत्कारों को सुनकर हम हैरान थे। ये शिवलिंग दिन में एक दो नहीं बल्कि तीन बार अपना रंग बदलता है। लेकिन इस शिवलिंग का रंग बदलना चमत्कार है या फिर कोरी कल्पना? देखिए ये रिपोर्ट। उन्नाव के बीघापुर कस्बे में ये ऐसा शिव मंदिर है जिसको लेकर के मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। ये मंदिर जिसे गोदावलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ रहने वाले लोग अपने सभी अच्छे बुरे कामों की शुरुआत इस मंदिर में माथा टेकने के बाद करते हैं। इस मंदिर को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, क्या वो सच थे? बिना स्थान पर जाए इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते थे। हकीकत जानने के लिए भारत समाचार की टीम गोदावलेश्वर मंदिर पहुंच गई। यहाँ का शिवलिंग दिन में तीन बार रंग बदलता है। आज इस रंग बदलने वाले चमत्कारी रंग बदलने वाले शिवलिंग के सच का लिटमस टेस्ट कैमरे के सामने होने वाला था। उन्नाव में आस्था और विश्वास से जुड़े बीघापुर के गोदावलेश्वर महादेव मंदिर हम पहुंचे हैं। यहां मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का रंग बदलता है। हमारी टीम ने जो कहानियां सुनी, जो अपनी आंखों से देखा, जो लोगों की लाइव गवाहियां कैमरे पर रिकॉर्ड की गई, वो हैरान करने वाली थी। हमें जितने भी लोग मिले वो सब चमत्कार को नमस्कार कर रहे थे। भगवान शिव के इन चमत्कारों को सुनकर हम हैरान थे। शिव मंदिर में चूंकि सावन के सोमवार को हर आता है तो कार्यक्रम होते हैं शिव जी के, उसमें और शिवरात्रि को और रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, और जो है दशहरा में रामलीला का कार्यक्रम होता है। तो हम लोग सावन के सोमवार को यहाँ भजन कीर्तन कर रहे थे। 10-20-25 लोग बैठे थे, रात का समय था। एक काला नाग आया और यहीं बैठ गया, और हम लोग तो थोड़ा पहले डरे, लेकिन वो बैठा रहा, किसी को नुकसान नहीं किया उसने। और जब भजन कीर्तन समाप्त होकर चुपचाप चला गया, तो लोगों का यही मानना था कि वो बाबा भोलेनाथ स्वयं यहाँ आए थे। उसके बाद दूसरे साल हम लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, तो एक संत टाइप आए, बड़ी बड़ी जटाएँ थी, यहाँ आए भजन कीर्तन कर रहे थे। हम लोग कहीं से आए होंगे संत बाबा, सब लोग आपस में। उसके बाद वो अंदर गए और अंतर ध्यान हो गए। ये कथानक चूँकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे पिता भी यहाँ पर बाबा गोदावलेश्वर जी के अनन्य भक्त थे, और इसके बाद इस मंदिर में अगर किसी ने उल्टी सीधी छेड़छाड़ कराई, उल्टी सीधी का मतलब मेरा जैसे ये दरवाजा है, छोटा है, गेट है, बाबा शिव जी के दरबार में झुक के जाइए आप लोग। और इसके अलावा एक किशोरी दीक्षित थे, तो उन्होंने पीछे एक बड़ा गेट बनवा दिया। जब बड़ा गेट बनवाया तो उसमें जो है जब लोग सीना तान के जाने लगे तो बाबा जी को अच्छा नहीं लगा, तो कुछ अनिष्ट उनके साथ हुआ, तो उन्होंने तुरंत ये गेट बंद करवा। एक और घटना हमको याद आ रही है कि यहाँ पे एक बंदर हुआ करता था, और वो जो है ये सरोवरी गोदावली सरोवर उसमें स्नान किया करता था, और उसके बाद बजरंगबली जी के दर्शन करता था, टीका लगाता था। ऐसे ऐसे मतलब कथानक यहाँ पर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में तीन बार अपना रंग बदलता है। बीघापुर के सबसे बड़े आस्था के केंद्र गोदावलेश्वर महादेव मंदिर में हम आ चुके हैं। यहाँ ये भगवान शिव का जो मंदिर है, इसमें ये जो शिवलिंग है, ये आस्था की केंद्र है, लोगों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि जो भगवान शिव का ये मंदिर है, देर रात यहाँ अपने आप पूजा हो जाती है, और जो लोग सुबह आते हैं तो यहाँ पर इस मंदिर में पूजा हुई मिलती है। ऐसा माना जाता है कि आज तक जो
पुजारी है, जब भी वो यहाँ आए हैं कपाट मंदिर के खोले गए हैं उसके पहले इस मंदिर में पूजा हुई मिलती है। इस मंदिर में एक और खासियत है कि जो मंदिर है ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के जो शिवलिंग का जो रंग है वो बदलता है, जो मंदिर का जो डिजाइन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जो शिवलिंग है यहाँ से जो सूर्य की जो सुबह उदय होने का जो पहली किरण आती है वो जैसे ही शिवलिंग पर पड़ती है माना जाता है कि उसके बाद से शिवलिंग का रंग बदलना शुरू हो जाता है। जो डिजाइन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है सबसे पहले सूर्य की पहली किरण इस मंदिर में बने इस शिवलिंग पर पड़ती है, इसके बाद से मंदिर के शिवलिंग का रंग बदलने लगता है। जो लोग हैं उनकी आस्था ये है कि सभी जगह से हार कर परेशान हुए लोग इस मंदिर में आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर इस मंदिर की बनावट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गुंबदाकार जो डिजाइन है वो बनाया गया है इस मंदिर में, और तकरीबन जो माना जाता है कि 900 संवत के आसपास इस मंदिर को बनाया गया था, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में बड़ी आस्था है। यहाँ के लोगों ने बताया कि मंदिर के रंग बदलने की बात को पता लगाने के लिए कई बार कई टीमें आईं, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा, जिससे यहाँ के लोगों में मंदिर को लेकर के लगातार आस्था बढ़ती ही जा रही है। इसमें आस्था से इतने जुड़े हुए लोग हैं कि जो भी अपना नियमित समय से सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर जिस मनोकामना से जो आते हैं वो नियमित रूप से आते हैं, और उनकी जो भी जिस प्रकार की मनोकामना है, किसी की भौतिक है, किसी की संतान के संबंधित है, किसी की जो है विकास संबंधित है, तो उनके अभीष्ट जो उद्देश्य हैं यहाँ आने से पूरे होते रहे हैं। अधिकांशतः जितने भी यहाँ के लोग हैं जो हमसे वयोवृद्ध हैं प्रबुद्ध हैं उन्होंने अपना अनुभव मुझे बताया। और दूसरी बात है कि जैसे बाबा के स्थान का जो शिवलिंग का जो रंग है, सुबह समय नीला होता है, दोपहर में भूरा होता है, वो सायंकालीन बेला में बिल्कुल ब्लैक हो जाता है काले रंग का। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग की जो मूर्ति है वो कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है प्रातःकालीन, चाहे वो 4 बजे आए चाहे ब्रह्मभुवन में 3 बजे आए, हमेशा पूजित मूर्ति शिवलिंग की मिलती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा जो यहाँ से जो बाहरी लोग हैं, निरंतर यहाँ पे बाबा के स्थान में आशीर्वाद लेने आते हैं। बीघापुर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से बाहर भी स्थानांतरित हो गए, लेकिन तब भी उनकी जो मनोकामनाएं हैं पूरी होती रही हैं। अभी भी पीछे जो निर्माण कार्य हुआ है तो उस निर्माण कार्य में एक मिश्रा जी थे, बबोला मिश्रा के परिवार के, उन्होंने बताया कि मेरा एक अनुष्ठान रहा है बाबा के प्रति कि हमारी एक मनोकामना बाबा ने पूरी की, इसलिए बाबा के निर्माण कार्य में जो भी अभीष्ट हमारा सहयोग होगा हम पूरा करेंगे। उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था और यहाँ से बाबा से उन्होंने ये मनोकामना की कि उनकी वाइफ स्वस्थ और निरोग हो जाए, और वो हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने अभीष्ट अपने जो अर्जित कमाई है उसका बहुत सारा हिस्सा लगाया। तो मंदिर का जो प्रारूप आप देख रहे हैं पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गईं, जिस आस्था से जुड़ा रहा उसके बाद में उसने बाबा के स्थान में अपना जो भी था वो समर्पित भाव से श्रद्धा से लगाया। आखिर ऐसा क्या था इस शिवलिंग में? शिवलिंग की इतनी कहानियां सुनने के बाद हम इसे झूठ नहीं कह सकते थे, हमें इन तर्कों को विज्ञान की कसौटी पर भी कसना था। सैकड़ों लोग एक ही दावा कर रहे थे कि इस मंदिर में भगवान शंकर आते हैं और शिवलिंग रंग जाते हैं। आज इस चमत्कारी शिवलिंग की सच्चाई का टेस्ट होने वाला है। अध्यात्म से जुड़े तर्क बहुत हो चुके थे, हमें इन तर्कों को विज्ञान की कसौटी पर कसना था। शिवलिंग के रंग बदलने की हकीकत जानने के लिए भारत समाचार की टीम मंदिर में रुककर रंग बदलने के क्षणों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश करने लगी। बीघापुर के गोदावलेश्वर महादेव मंदिर में आस्था की बात की जाए तो यहाँ के लोगों के लिए मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जब वो किसी समस्या में होते हैं या वो परेशान होते हैं, बीमारी से परेशान होते हैं, तो मंदिर में आकर भगवान के सामने माथा टेकते हैं और जिससे उनकी परेशानियां दूर होती हैं। लोगों का कहना है कि वे अपने शुभ काम करने से पहले भगवान के सामने माथा टेकते हैं, उसके बाद ही अपने शुभ कार्यों को करते हैं। मंदिर में जहाँ शिवलिंग के रंग बदलने की बात है, इस चीज़ को लेकर भारत समाचार को कोई प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन लोगों की बड़ी आस्था इस चीज़ को लेकर अभी भी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि मंदिर में सूर्य उदय होते ही सूरज की पहली किरण
मंदिर में बने शिवलिंग पर पड़ती है, जिसके बाद मंदिर के शिवलिंग का रंग बदलना शुरू होता है और सूर्यास्त की जो अंतिम किरण है वो मंदिर के शिवलिंग पर पड़ने के बाद मंदिर का शिवलिंग काले रंग का हो जाता है और मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। हालांकि इस चीज़ के प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन लोगों में इस बात की बड़ी आस्था है और मंदिर यहाँ के लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। लोगों के एक से बढ़कर एक दावे, हमारी अब तक की रिपोर्ट में चमत्कार हावी हो रहा था, चमत्कारी शिवलिंग विज्ञान को चुनौती दे रहा था। हमने उन्नाव के चमत्कारी शिवलिंग के बारे में मंदिर के भीतर पूरी जांच पड़ताल की, पूरे मंदिर परिसर को चारों तरफ से देखा, दरवाजों को ठीक से जांचा, शिवलिंग को भी जितनी नजदीक से देख सकते थे हमने देखा। वहां कसौटी पर कसने के लिए हमारे सामने बहुत कुछ नहीं था, हमने कड़ियों से कड़ियां मिलानी शुरू की, हमने पाया कि उन्नाव का शिवलिंग पत्थर का था। तो फिर क्यों ना किसी स्टोन स्पेशलिस्ट को इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ध्रुव सेन को फोन लगाया, हमने उनको पूरी बात बताई। प्रोफेसर ध्रुव सेन ने पूरी कहानी समझने के बाद हमें जो बताया वो इस केस में रोशनी डालने के लिए बहुत अहम था। जो मंदिर में शिवलिंग का कलर लगातार बदलता जा रहा है, इसके 2 कारण हैं। एक आध्यात्मिक पक्ष है, दूसरा वैज्ञानिक पक्ष है। जो आध्यात्मिक पक्ष है, जहाँ धर्म की बात आ जा रही है, वो कोई डिस्कशन और विवाद का मुद्दा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हम धर्म के रूप में इसको ले रहे हैं कि ये रंग बदल रहा है क्योंकि शिव जी की कृपा है, तो वो माना जा सकता है। लेकिन जो वैज्ञानिक पक्ष है वो इसका ये है कि बहुत से पत्थर ऐसे होते हैं, बहुत से मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कलर बदलता रहता है, और किसी भी चीज़ का कलर जो हमें दिखाई देता है वो इस पर निर्भर करता है कि वह प्रकाश की किन किरणों को अवशोषित करता है और प्रकाश की किन किरणों को वह अपने आप से रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। तो एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, अवशोषण और परावर्तन, इसके आधार पर किसी भी चीज़ का रंग जो है वो दिखाई देता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी ये हम लोगों को पता है कि जैसे लैब्राडोर होता है, लैब्राडोराइट होता है, लैब्राडोराइट में जैसे जैसे हम उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं उसमें प्ले ऑफ कलर होता जाता है, वह भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बहुत से मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो उनका रंग बदलता जाता है। तो प्ले ऑफ कलर और चेंज ऑफ कलर, ये बहुत से मिनरल्स की अपनी एक विशेषता होती है। और इवन अगर आप वैसे भी देखें तो आप जैसे दुकानों पर जाते हैं तो दूसरे कलर का कपड़ा लेके आते हैं और घर पर आपको लगता है कि इस कपड़े का रंग वो नहीं दिखाई दे रहा है जो कि हमें दुकान पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि दुकान पर इतना ज़्यादा लाइट रहती है कि वो लाइट में हमें वो कपड़ा थोड़ा सा रंग अलग तरीके का दिखाई देता है, और घर पर जब हम सनलाइट में देखते हैं तो दूसरे तरीके का दिखाई देता है। तो चट्टानों का, खनिजों का और अन्य पदार्थों का रंग परिवर्तन, प्ले ऑफ कलर और चेंज ऑफ कलर, यह प्रकाश किस तरीके से हमसे मिल रहा है, प्राकृतिक प्रकाश है कि आर्टिफिशियल लाइट आ रही है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। और यही उसका वैज्ञानिक पक्ष है उस शिवलिंग के रंग बदलने। कलर चेंजिंग जो स्टोन होते हैं, ऐसे 3-4 स्टोन होते हैं दुनिया में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है एलेक्जेंड्रियाइट, और दूसरा होता है आपका गार्नेट, और तीसरा है फ्लोराइट, और चौथा है जुल्टानाइट। एलेक्जेंड्रियाइट जो होता है वो रशिया में मिलता है, यूराल माउंटेन से आता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। अंगूठी में जो नग पहने जाते हैं, एक एलेक्जेंड्रियाइट का नग अगर वो 30-40% तक कलर बदलता है तो वो तकरीबन आपको 40-50 लाख रुपए तक में आएगा, इंडियन रुपीज में। सेम टाइम पे दूसरे नंबर पे आता है गार्नेट। गार्नेट जो रंग चेंज करता है वो लाइट्स के हिसाब से चेंज करता है। अगर आप नेचुरल लाइट में देखेंगे तो ग्रीनिश और रेडिश दिखाई देगा, और अगर आप जो है आर्टिफिशियल लाइट्स में देखेंगे तो उसमें अलग कलर नज़र आएगा, ऑरेंजिश और गेरुए कलर का दिखाई देगा। दूसरा होता है आपका सफ़ायर। सफ़ायर जो है श्रीलंका से पाया जाता है। सफ़ायर में भी 3-4 अलग अलग जो है कलर मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है लाइट्स के ऊपर कि आप कौन सी लाइट्स में देख रहे हैं। अगर आप वाइट लाइट में देख रहे हैं, बट ये रेयर होता है, नॉर्मली सफ़ायर ब्लू आता है। ब्लू सफ़ायर चेंज होकर वाइट और थोड़ा सा ग्रेइश कलर में चेंज होता है अलग अलग डिफरेंट लाइट में। फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड काफ़ी सस्ता होता है, ये अभी बहुत ही जल्द इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, तकरीबन 7-8 साल पहले, तो ये काफ़ी सस्ता होता है। बाकी सबसे महंगा एलेक्जेंड्राइट है, उसके बाद आपका जुल्टानाइट है, फिर गार्नेट है, जो मोस्टली श्रीलंका और अपने इंडिया सब कॉन्टिनेंटल मिलता है वो गार्नेट है। विज्ञान के मुताबिक ऐसे शिवलिंग जैसे पत्थर पहले भी कई जगह देखे गए हैं।
ये खास तरह के पत्थर कुछ विशेष परिस्थितियों में रंग बदलते हैं, लेकिन इस मंदिर से जुड़े चमत्कार और इनसे जुड़ी आस्था को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें नकारना मुश्किल था। तो इस चमत्कारी शिवलिंग के पड़ताल में आखिर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिवलिंग के रंग बदलने की घटना को विज्ञान अपने हिसाब से परिभाषित करता है। ये एक पहेली या फिर चमत्कार बिल्कुल नहीं था, लेकिन आस्था से जुड़े अपने तर्क थे। इस कहानी को देखने के बाद हमारे पास सच के कई तर्क थे, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था भी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए रहस्य के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।